नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 3 मई के करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों इस सेशन में हमने आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह करके रखा हुआ है। दोस्तों जितने भी प्रश्न है और उसका जितना भी सारा डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सब का सब आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उसके बाद उसका डेली आपको रिविजन करना है। दोस्तों इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों भविष्य में आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएंगी। आप इसको कुछ दिन जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर पहला प्रश्न हमने रखा है। देखिए पहला प्रश्न है, मनरेगा योजना के तहत कौन सी योजना है? दोस्तों मनरेगा। अब मनरेगा योजना के बारे में हम आपको यहाँ पर डिटेल में बताएंगे, इसको आप नोट करके चलिए। मनरेगा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को यानी कि एसटी को, अनुसूचित जनजाति को रोजगार देने के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। पहला स्थान है दोस्तों मध्य प्रदेश का। मनरेगा के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो आदिवासी कम्युनिटी है, उनको रोजगार देने के मामले में दोस्तों मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर आया है। ये बात आपको यहां पर समझ लेनी है और नोट कर लेनी है, बिल्कुल क्लियर, पहले नंबर पर। अच्छा देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी एमपी के धार में पाए जाते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है एक तो सर्वाधिक एसटी पाई जाती है, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या भारत में कहां पर है? दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, एक तो ये आपको यहां पर नोट करके चलना है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। और इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो सर्वाधिक एसटी जो है मध्य प्रदेश में धार जिले में यहां पर पाई जाती है। अच्छा लेकिन ये जनसंख्या के मामले